ने हमसे बात रखी है, पुरजोर तरीके से इनकी मांग को हम माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचाएंगे। और जिस उम्मीद के साथ इन बहन बेटियों ने हमें बुलाया है, हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ये वादा करते हैं हम आप लोगों के सामने। हमने जो ये काम किया, हमारा इसमें कोई अपना जाती फायदा नहीं है, सर्दी भी नहीं देखी, बहुत मेहनत की हमने इसके लिए। इन्हें सबको बुलाओ ना इधर अंदर, बेटे बच्चा आ जाओ, सब आओ, बड़े 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 बच्चे, बड़े बच्चे सब आओ, चलो बेटे चलो। और किसी से कोई बात रखनी हो बोलो बेटे, बोलो। अखिलेश यादव जी से कोई बात रखनी हो तो वीडियो जाएगी वहाँ, जिसको कुछ बोलना हो अपना तालीम के बारे में, क्या चाहते हैं आप लोग बताओ। हमारे गांव में भी डिग्री कॉलेज हो, बताओ अपनी बात रखो। हम चाहते हैं कि राधानाथ में भी डिग्री कॉलेज हो। माननीय जी, इन बहन बेटियों की मांग है कि राधना इनायतपुर लगभग जो है 26,000 की आबादी वाला गांव है राधना इनायतपुर, यहां बहन बेटियों की शिक्षा के लिए कोई इंटर कॉलेज भी नहीं है। इन बहन बेटियों की मांग है कि हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ सकें, शिक्षा एजुकेशन में आगे जा सकें, इसलिए हमारे गांव को डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। मैं इन बहन बेटियों के सामने इनसे एक वादा करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में बहन बेटियों की शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना हो सके। और यहां पर जच्चा बच्चा केंद्र एक बना हुआ है, लेकिन उसमें जो स्वास्थ्य विभाग की ANM होती है वो कभी आती नहीं, हमने देखी नहीं है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि सरकार के माध्यम से हॉस्पिटल का निर्माण हो। हम वादा करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम जाति तौर पे यहाँ पर जो है हॉस्पिटल बनवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उधर जाओ, उधर मस्जिद में चले जाओ। बताइए जो जो मांगे आपने। Thank you.